I definitely think Bacche and the entire set of DID Little Masters with Ahmed sir and with Geeta Ma, I think, and not to forget Mithunda, because I've had the good fortune to work with him in my film, and he's just a fabulous person. I think the entire entire vibe of DID Little Masters is absolutely fantastic. Ritesh, आपके लिए? I think ये एक ऐसा मंच है जो हर बार नए डांसर्स को, नए कलाकारों को मौका देता है अपना हुनर दिखाने के लिए, और मैं इस शो पर पहले भी आ चुका हूँ कई बार, और हर बार आने का जब मौका मिलता है तो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मोर देन एनीथिंग लाइव परफॉर्मेंसेस देखने का मौका मिलता है विच यू थिंक वाओ, यू नो, इतनी सारी एनर्जी डालते हैं, खासकर जब बच्चे काम करते हैं तो इट्स ऑल हार्ट, जब बड़े काम करते हैं तो कैलकुलेशन होता है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, और जब बच्चे होते हैं देन वो अपने दिल से नाचते हैं, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस शो। आई थिंक इस शो की जान मिथुंदा है, जिनका हर बार जब भी मैं शो पे आता हूँ तो कहता हूँ कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट there is Ahmed and Geeta, both of whom I love dearly, and I've worked extensively with both of them. So on a whole, it's just a pleasure coming here, and we get a chance to even showcase our film Hamshackles for what we all are here today. फिलहाल तो लड़कियों ने काफ़ी एंजॉय किया, अभी थोड़ा शो बाकी है तो हम आकर कुछ मस्ती करेंगे बच्चों के साथ। बच्चे नटखट होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो यू हैव टू बी ऑन ए टोज उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आई थिंक इट्स वंडरफुल। पापा बनने वाले हैं जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज इनफैक्ट जो आज परफॉर्मेंसेज देखी हैं, बिकॉज इट्स द 4 फाइनलिस्ट हु बिन, जो इस मंच के जो 4 फाइनलिस्ट हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, एंड कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट इट्स गेटिंग वेरी वेरी टफ, एंड एवरीबडी इज़ गिविंग द बेस्ट, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेज दी जा रही हैं, तो बहुत एक्साइटेड है उनको देख के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट्स। मे बी नॉट, बट प्रमोशन तो चल रहा है, पिक्चर की बज़ बहुत अच्छी है, होपफुली लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आएगी, अच्छी मज़ेदार पिक्चर है। सच्चाई ये है कि हम सब सुबह 4 बजे सोए हैं और सुबह 8 बजे उठ गए, तो 3 साढ़े 3 घंटे अभी यहाँ से हम भाग रहे हैं दुबई। देखिए भूल चुके हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इतने थके हैं बेचारे। और देखिए मेरे सारे हीरो हीरोइन इतने अच्छे मस्त सूट वूट में, और मैं गंगू मवाली, अच्छा लग रहा है गंगू मवाली। दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करते हम, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन रितेश के साथ। मैं क्या बोलता हूँ कि ये तीनों लड़कियों का कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं था, बल्कि उन 3 लड़कियों के साथ था जो हम बने थे। आई एम वेरी एक्साइटेड, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा कह सकते हैं हमारा प्रमोशनल टूर चल रहा है हमशक्ल्स का, और हमें साथ में बहुत मज़ा आ रहा है। हम अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन्स, रियलिटी शोज़ में हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। देयर इज़ सो मेनी टैलेंटेड पीपल, और ये शोज़ इतने मज़ेदार हैं। आज ख़ास करके मुझे मज़ा आएगा बिकॉज दीज लिटिल किड्स आर सो टैलेंटेड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम आल्सो। जी सर, हम देखा कि आप प्रमोशन बहुत कम कोशिश करते हैं, बट हमशक्ल्स के साथ आई थिंक वो ब्रेक हो चुका है। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, और बॉम्बे की ट्रैफिक में मैं अगर मुझे एक छुट्टी मिल गई तो आई प्रेफर स्टेइंग होम एंड वॉचिंग टीवी विच इज़ लेज़ी, और साजिद ने मुझे समझाया कि और मेहनत करनी चाहिए और बाहर जाके प्रमोट करनी चाहिए फिल्म को, तो इस बार मैंने पूरी कोशिश की है। एंजॉय से ज़्यादा मैं दंग रह गया हूँ, बिकॉज इतने छोटे, आप गिर तो नहीं जाएंगे ना, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस करते हैं। आई एम लिटरली स्पीचलेस, मन करता है कि सबको जाके जप्पी दूँ। They're too cute and they dance so well. Hats off to all of them. Promotion, you see the biggest of stars. Everybody does promotion, and promotions are very important. Yeah. The only person who feels promotions are not important is Isha Gupta. That's good. That's good. Why does Isha Sajid has just commented something on you. Would you like to repeat? Why does? I said the only person who believes that promotions are not important is Isha Gupta. Ask her why. Why? Why do you? Why? I think promotions are really important. Arey, yeah. Okay. I think everyone needs promotion, and everything in the world needs promotion. If you make a product, you have to promote it. Otherwise, people never know what to buy. आपने अपने father-in-law की mimic की है इस movie में, तो कितना मजा आया है ये करते वक्त, ये जानना चाहेंगे आप? जी मज़ा तो आया कि बहुत सारे stars की mimicry हुई है, और डब्बू जी जो हैं वो साजिद के खास favorite topic हैं इमिटेशन के, और कहते हैं कि इमिटेशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, और सिंस मैं अपने फादर इन लॉ की बहुत इज्जत करता हूँ, वी डिसाइडेड टू ऑनर हिम इन द हाईएस्ट वे। फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आप जी एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय करता हूँ, चांस नहीं मिलता है हर मैच देखने का क्योंकि ट्रैवल और शूटिंग इतनी रहती है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैंने हमेशा ब्राज़ील को बैक किया है और अब इस साल ब्राज़ील में है, दे आर द होम नेशन, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बार शायद 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 ब्राज़ील ले जाएगा। फीफा, ये फीफा क्या है? आई ओनली नो IPL, सॉरी नहीं, आई थिंक मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फुटबॉल मैंने खेला है, लेकिन अभी जो हवा है कि ये टीम है वो टीम है, मेरी बीवी फीफा देखती है, फुटबॉल देखती है, वो हर प्लेयर वो जानकारी वो रखती हैं, तो आई थिंक उनके साथ हर बार वो मेरा साथ देती है कि जो भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार फीफा के दौरान मैं उनका साथ देना चाहता हूँ कि वो अगर कोई मैच देखना चाहे तो मैं उनके साथ बैठ कर देखूँगा। आई थिंक सभी जानते हैं कि मैं फ़ुटबॉल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, टीम्स को सपोर्ट करती हूँ, बट आई थिंक इस बार ब्राज़ील में है तो ऑब्वियसली आई वांट ब्राज़ील टू विन, बट आई थिंक ज़्यादातर बेट्स जर्मनी और इंग्लैंड पे है, सो let's see may the best win. All the big teams, I'm going to enjoy watching Portugal, Italy, Brazil, all the stars. I don't have one particular favorite.